हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। दिल्ली में आजकल ज्यादातर आम आदमी ये पूछता हुआ नजर आ रहा है या मिल रहा है कि अगर कोरोना हो गया तो क्या उसे इलाज मिल पाएगा, वो अस्पताल के चक्कर ही तो कहीं काटता नहीं रह जाएगा, क्या सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है या फिर दावे जो हैं वो हवा हवाई हैं। इन सवालों के जवाब दिल्ली सरकार को ही देने हैं और किसी को नहीं, क्योंकि दिल्ली में जिस स्पीड से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो राजधानी को कोरोना ज्वालामुखी बना रही है। और सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि हमने जब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बाहर लोगों से बात की तो जवाब सुनकर ऐसा लगा कि आम जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है, राम भरोसे छोड़ दिया गया है। इसी बीच अस्पताल के अंदर से आई एक तस्वीर ने लोगों के दावों पर मुहर भी लगा दी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की कड़वी हकीकत आप देखें, उससे पहले ये चार हेडलाइंस आपको जान लेनी चाहिए। दिल्ली में 32,000 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या, कुल 984 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 48 मरीजों की जान गई, एक दिन में सबसे ज्यादा मौत हुई है। मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है, मरीजों के लिए बेड कम होने की शिकायत की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम केजरीवाल को खत लिखा है और पूछा कितने बाहरी मरीजों का इलाज किया। मेरे सामने रात को 2 बजे से कोरोना का मारा डेड बॉडी। आज आप दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की लापरवाही वाली वो तस्वीर देखेंगे जिसके बाद सरकारी सिस्टम से बचा खुचा भरोसा भी उठ जाएगा। लेकिन तस्वीर को समझने और जानने से पहले दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों पर एक नजर डाल लीजिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,309 पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या है 905। यह आंकड़ा देखकर आप घबरा गए होंगे, लेकिन रुकिए, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आज हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता, अजातिका सिंह और सुरभि काक दिल्ली की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। सबसे पहले चलिए एलएनजेपी अस्पताल। कफन में लिपटा यह शव दिल्ली के उन 905 बदनसीब लोगों में से एक का है जिसकी मौत कोरोना से हुई है। लेकिन उससे ज्यादा बदनसीब हैं ये लोग जिन्हें 9 घंटे तक इस शव के साथ गुजारने पड़े। दीवार पर नंबर लिखा है 21 और 22 और ठीक नीचे इस शव को रखा गया है और इसके सिर्फ 3 फीट की दूरी पर बेड नंबर 20 पर एक बुजुर्ग को लिटाया गया है। कैमरा पैन होता है तो दरवाजे के पास एक और मरीज दिखाई देता है और ये वीडियो बनाया है सिराज ने। मेरे सामने दुनिया के सामने दिल्ली की कड़वी हकीकत लाने वाले सिराज का कहना है कि मरीजों को मुर्दों के बीच घंटों तक रखा जा रहा है। मेरे सामने रात को 2 बजे से कोरोना का मार डेड बॉडी था, आज सुबह 11 बजे के आसपास वो बॉडी लेके गया। काल से मेरे सामने से कम 12 से 13 बॉडी गया है। हम बहुत डरे हुए हैं। सिराज की सहमी आवाज बता रही है कि मंजर कितना खौफनाक है। पति की आपबीती सुनकर मुमताज का कलेजा भी अनहोनी के डर से बैठा जा रहा है। कोरोना वायरस का आपका एक ही टेस्ट हुआ है आपके पति का या दोबारा भी टेस्ट हुआ है? 5 तारीख को लेके गए, फिर कल दोबारा लेके गए रिपोर्ट। कल की भी रिपोर्ट नहीं आई, 5 तारीख की भी रिपोर्ट नहीं आई? रिपोर्ट नहीं आई, बस मैं निकलना चाहता हूँ, अगर रिपोर्ट दे दे और नहीं तो मेरे पति को डिस्चार्ज कर दे। हाँ जी हाँ, मेरा हस्बैंड भी कह रहा था अगर मेरे को डिस्चार्ज कर दे नहीं तो मैं यहाँ पे मेरा भी दम घुट जाएंगे आप, क्योंकि वो सब देख के। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि मरीजों को मुर्दों के साथ रखकर उन्हें जीते जी टॉर्चर किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए संवाददाता अजातिका सिंह एलएनजेपी अस्पताल के एमडी प्रोफेसर सुरेश कुमार से मिली। सुनिए क्या जवाब मिला। पूरे विश्व में ही ऐसा होता है, पूरे भारत वर्ष में जितनी भी अस्पताल हैं, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, वार्ड में डेथ होती है तो जब डेथ होती है तो वो बाकी मरीजों के बीच में ही रहेगी बॉडी, जब तक कि उसको डिसइंफेक्ट नहीं करें और उसको हम पैक करके मोर्चरी में ना भेजें।
सुरेश कुमार ने बेतु का तर्क देकर तस्वीर को नॉर्मल बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस देश में कोरोना पीड़ित के शवों के साथ जिंदा लोगों को रखा जाता है, वो भी 9-9 घंटे। जब पेशेंट का डेथ हो जाता है तो 1-2 घंटा लगता है उसमें पैकिंग करने में, उसको डिसइंफेक्ट करने में। अब 2 घंटा लगता है, जैसे 2 या 3 डेथ हो गई तो कई बार ये होता है कि वो पेशेंट्स जो हैं वो उसको मोर्चरी में शिफ्ट करने में कई बार थोड़ा डिले हो जाता है। 10 घंटे तक भी डिले होता है? नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत आप बता रहे हो। दलीलें कुछ भी हो, भुगतना आम आदमी को पड़ रहा है। कल सुबह कोरोना का टेस्ट हुआ था, शाम तक रिपोर्ट नेगेटिव आई। हर कोई खुश है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से संक्रमित नहीं है, लेकिन और भी ज्यादा खुशी तब होती जब अरविंद केजरीवाल की ही तरह इमरान के पिता अमीरुल, सूरज के ताऊजी, धर्म के पिता राजेश और भूपेंद्र तोमर के पिता की कोरोना रिपोर्ट भी इतनी ही जल्दी मिल जाती। केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट तो 12 घंटे में आ गई, लेकिन इनमें से कोई 3 तो कोई 5 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इमरान के पिता का कल देहांत हो गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि उनकी जान कोरोना के कारण गई या किसी और वजह से, क्योंकि खबर लिखे जाने तक रिपोर्ट नहीं आई थी। केजरीवाल जी कहते हैं उनकी रिपोर्ट तो सुबह से शाम तक में आ जाती है, किसी की भी, कोई भी बड़ा आदमी अगर बीमार पड़ता है तो उसकी रिपोर्ट सुबह से शाम तक आ जाती है, लेकिन यहाँ 4 दिन हो गए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट के लिए बहुत दौड़ा रहे थे इधर से उधर। डेथ उनकी 26 तारीख को हुई थी, मतलब 5वें दिन आज आपको जो है क्रीमेशन के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हो? यस सर। राम मनोहर लोहिया में लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने, मतलब वहाँ पे भी उन्होंने 5 तारीख को पहले देखा, फिर मतलब सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा 5 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं ना रोडों पे, हॉस्पिटलों के अंदर, कॉल करो 1903 पे कॉल करो, आपको मतलब एक कॉल करने पे आपको जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए होगी वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बट मैम GTP हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद भी दिल्ली ने खुद को कोरोना से निपटने के लिए तैयार नहीं किया है, इसीलिए केजरीवाल ने बाहरी लोगों के इलाज पर रोक लगाई थी, जिसे उपराज्यपाल ने पलट दिया। LG साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। LG साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन आदेश का पालन होगा कैसे, क्योंकि दिल्ली में हर 14 दिन में कोरोना के मामले 2 गुने हो रहे हैं। 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। केजरीवाल का यह बयान ठोस सबूत है कि दिल्ली के लिए आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा है। 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोरोना संक्रमण के मामले में वुहान को पीछे छोड़ चुके महाराष्ट्र के लिए भी चुनौती बड़ी है। आंकड़े देख लीजिए, दिल्ली के मुकाबले महाराष्ट्र में संक्रमण का आंकड़ा 90,787 है और 3,289 लोगों की मौत हो चुकी है। न जांच, न इलाज, न कफन और दफन की लाज भी नहीं। कोरोना काल में अब दिल्ली की जो तस्वीर आ रही है वो किसी बददुआ सी लग रही है, यकीन मानिए। सिस्टम और स्वास्थ्य सेवा को मुर्दा कहें तो गलत नहीं होगा, और जिम्मेदार लोग सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई उसने दिल्ली की स्याह हकीकत को आपके सामने रख दिया है, बेपर्दा कर दिया है। देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था और आज 78 दिनों बाद दिल्ली के मंत्री ये कह रहे हैं कि बेड बढ़ाने के लिए होटल्स, बैंक्वेट हॉल्स और स्टेडियम्स लेने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि होटल्स और स्टेडियम्स तैयार करवाएंगे। अब आप ही बताइए, 78 दिनों और 900 मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? मास्टर स्ट्रोक, बेड बढ़ाने से क्या होगा जब स्वास्थ्य सेवा ही वेंटिलेटर पर है?